अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। ऑन डिमांड दिल्ली व NCR में कार चोरी का साम्राज्य स्थापित करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह वाहनों को सोतीगंज में शाकिब उर्फ कदूद वे उसके भाई मोहसिन के वाहनों के स्लॉटर हाउस में खपा रहे थे। गंभीर बात यह है कि इस गिरोह का सीधा निशाना लग्जरी कार होती हैं। इन कारों को यह डिमांड होने पर चोरी कर मुंह मांगी कीमत वसूलते चले आ रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों में इसरार इरशाद राशिद उर्फ काला 60 फुटा व समर गार्डन लिसाड़ी गेट हैं, जबकि आस मोहम्मद केसरगंज मेरठ का रहने वाला है। इनके पास से चोरी की 2 कार स्विफ्ट और बैलेनो भी बरामद की गई है। आज इन चारों को मीडिया के सामने पेश करते हुए SP क्राइम अनित कुमार ने यह जानकारी दी। बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, इसमें टोटल 11 लोग अभी तक हमारे सामने नाम आए हैं, जिनमें से 4 लोग हमने गिरफ्तार किया है। ये गैंग का मॉडस ऑपरेंडी इस तरह का है कि इनमें चोरी कुछ लोग करते हैं, फिर गाड़ी वहाँ से लेके कुछ दूसरे लोग जाते हैं, फिर आगे डिलीवरी तीसरे लोग करते हैं, और ये ऑन डिमांड चोरी करते हैं। दिल्ली से गाड़ियाँ जो हमने 2 बरामद की हैं, दोनों दिल्ली से चोरी हुई हैं, एक बलेनो और एक स्विफ्ट। एक कुछ दिनों पहले भी एक फॉर्चुनर गाड़ी इनसे बरामद थी, गैंग के सदस्यों से बरामद हुई थी। तो इन लोगों का काम ये है कि ऑन डिमांड ये गाड़ी चोरी करके लाते हैं, फिर उसको सेफ जगह खड़ी कर देते हैं, और ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर किसी नज़र ना पड़े, जैसे हॉस्पिटल के पास में खड़ी कर दी, या फिर कहीं अपने जानने वाले के यहाँ पर खड़ी कर दी, और फिर उसके बाद में इस गाड़ी को आगे भेज देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। इनके पास से नंबर प्लेट भी बरामद हुई है, गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल के ये फर्दर आगे पहुंचा देते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी भेज देते हैं। ये ओरिजिनल गाड़ी भेज देते हैं, मतलब नई ये जो गाड़ी मिली है, ये दोनों ओरिजिनल, इन पे इंजन नंबर चेसी नंबर है। आगे इनका क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि किस तरह से करते हैं। इनमें 2 मेन लोग जो मेन नाम आए हैं, उसमें एक इसरार पुत्र बाबू है, इसके ऊपर 35 मुकदमे हैं पहले भी वाहन चोरी के, और एक शाकिब उर्फ गद्दू जो कबाड़ी रहा है इसका सोतीगंज में, जहाँ पे लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है, और उसका भाई मोहसिन, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इनके साथ में इनके जो अन्य साथी हैं, ये सभी लोग मिलकर इसका वाहन चोरी और आगे वाहन डिलीवरी का काम कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं, मतलब सोतीगंज के जो क्या थे, उन्होंने जगह बदल दी, ये अभी विवेचना से क्लियर हो जाएगा। ये जरूर है कि सोतीगंज में लगातार हमारी कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर ये इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आसपास की जगह से लाके और दूसरी जगह पे गाड़ियाँ देने का काम ये कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।